दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे ओप्पो 53s 5G मोबाइल के साथ रियलमी 8 5G मोबाइल को। क्योंकि दोस्तों दोनों फोन की जो प्राइस है लगभग सेम देखने के लिए मिलती है एंड दोस्तों जो स्पेसिफिकेशन है वो भी काफी सेम देखने के लिए मिलती है। अब दोस्तों बात यह है, अगर आप दोनों में से कोई भी फोन लेने के लिए जाते हो तो कौन सा लेना आपके लिए सही है, अगर आप ये बात जानना चाहते हो तो इसलिए छोटी सी वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहे। और गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो कि दोस्तों आगे जाके भी इस चैनल से आपको बहुत सही टेक रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी एंड मुझे भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पहले हम लोग बात करेंगे दोनों फोन की वेरिएंट्स एंड प्राइस के बारे में। तो दोस्तों बात करें ओप्पो 53s 5G मोबाइल के बारे में तो यहाँ पर आपको 6GB रैम 128GB रैम देखने के लिए मिलती है एंड इसका प्राइस है 14,990 रुपये। और दोस्तों और एक वेरिएंट देखने के लिए मिलती है 8GB रैम एंड 128GB रोम एंड दोस्तों इसका प्राइस रखा गया है 16,990 रुपये। और दोस्तों इस तरफ बात करें रियलमी 8 की तो यहाँ पर भी आपको दो वेरिएंट देखने के लिए मिलती है 4GB रैम एंड 128GB रोम एंड इसका प्राइस 15,000 रुपये रखा गया है। एंड दोस्तों बात करें और एक वेरिएंट के बारे में तो यहाँ पर आपको 8GB रैम एंड 128GB रोम देखने के लिए मिलती है एंड दोस्तों इसका प्राइस रखा गया है 17,000 रुपये। तो दोस्तों ऐसा देख सकते हो दोनों फोन की जो वेरिएंट्स है उसका प्राइस लगभग सेम देखने के लिए मिलती है, दोनों वेरिएंट्स में सिर्फ 9 रुपये की डिफरेंस है। और दोस्तों यहाँ पर और एक डिफरेंस देखने के लिए मिलती है ओप्पो 53s में, जहाँ पर आपको 15,000 में 6GB रैम देखने के लिए मिलती है वहीं पर दोस्तों रियलमी 8 में आपको सिर्फ 4GB रैम देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों चलिए बात करते हैं बाकी की फीचर्स के बारे में एंड वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहिए कि दोस्तों वीडियो की एंड में आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों बात करें दोनों फोन की डिस्प्ले की साइज एंड क्वालिटी के बारे में तो ओप्पो 53s में आपको 6.5 इंच की HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है एंड दोस्तों यहाँ पर आपको 60Hz रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों इस तरह बात करें रियलमी 8 की तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है एंड दोस्तों यहाँ पर आपको 90Hz रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों बात करें दोनों डिस्प्ले की ब्राइटनेस के बारे में तो दोनों डिस्प्ले में ही आपको 480 nits की ब्राइटनेस देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों बात करें दोनों डिस्प्ले की क्वालिटी के बारे में तो दोस्तों ऐसे देख सकते हो रियलमी 8 में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है एंड दोस्तों इस डिस्प्ले में आपको 90Hz रिफ्रेश रेट भी देखने के लिए मिलती है। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलेगी रियलमी 8 में। और दोस्तों बात करें दोनों फोन की कैमरे के बारे में तो ओप्पो 53s में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने के लिए मिलती है 13+2+2 megapixel की एंड सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलती है 8 megapixel की। और दोस्तों इस तरह बात करें रियलमी 8 की तो यहाँ पर भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने के लिए मिलती है 48+2+2 megapixel की एंड दोस्तों जो सेल्फी कैमरा है वो आपको 16 megapixel की देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों ऐसा देख सकते हो जो रियर कैमरा है एंड जो सेल्फी कैमरा है दोस्तों काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है ओप्पो 53s मोबाइल से। और दोस्तों चलिए देख लेते हैं कौन सा फोन में कितने एमएच का बैटरी मिलती है एंड उसके साथ कितने वाट का फास्ट चार्ज का सपोर्ट दिया गया है। तो दोस्तों ऐसे बात करें ओप्पो 53s की तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5000mAh का बैटरी मिलती है 10W क्विक चार्जर के साथ एंड दोस्तों इस तरह बात करें रियलमी 8 की तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको 5000mAh का बैटरी देखने के लिए मिलती है 18W चार्जर के साथ। तो दोस्तों सब देख सकते हो दोनों फोन में आपको सेम एमएच का बैटरी देखने के लिए मिलती है लेकिन दोस्तों जो फास्ट चार्जर का सपोर्ट है रियलमी 8 में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों जो बैटरी है दोस्तों काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाएगी रियलमी 8 में। एंड दोस्तों बात करें दोनों फोन की बैटरी की बैकअप के बारे में तो दोस्तों दोनों फोन में आपको जो बैटरी बैकअप है लगभग सेम देखने के लिए मिलेगी, दोनों में उतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। और दोस्तों बात करें दोनों फोन की प्रोसेसर के बारे में तो दोनों फोन में ही मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर देखने के लिए मिलती है एंड दोस्तों ये जो प्रोसेसर है 5G चिपसेट है एंड दोस्तों ये जो प्रोसेसर है आपको 7 नैनोमीटर ट्रांजिस्टर साइज पर बेस्ड देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों इसलिए ये जो प्रोसेसर है यहाँ पर आपको पावर एफिशिएंसी काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगी एंड दोस्तों जो हीटिंग इशू है वो भी काफी कम देखने के लिए मिलेगी। एंड दोस्तों ये जो प्रोसेसर है इसमें दोस्तों काफी अच्छी गेमिंग कर सकते हो एंड दोस्तों ये जो प्रोसेसर है इसको आप इक्विवेलेंट कर सकते हो स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर से। और दोस्तों बात करें दोनों फोन की ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो ओप्पो 53s में आपको एंड्रॉइड 11 देखने के लिए मिलेगी एंड दोस्तों रियलमी 8 में भी आपको एंड्रॉइड 11 देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों बात करें सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में तो दोनों फोन में ही आपको फेस लॉक देखने के लिए मिलेगी एंड दोस्तों दोनों फोन में जो फिंगरप्रिंट सेंसर है आपको साइड में देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों आप तो वीडियो को एंड तक देख ही चुके हो, अब हम बात करेंगे दोनों में से कौन सा फोन को लेना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे देख सकते हो दोनों फोन की जो प्रोसेसर है एंड जो बैटरी है एकदम सेम देखने के लिए मिलती है लेकिन दोस्तों जो कैमरा है ऊपर दोस्तों आपको थोड़ी सी डिफरेंस देखने के लिए मिलती है क्योंकि दोस्तों रियलमी 8 में आपको 48 megapixel की कैमरा देखने के लिए मिलती है एंड दोस्तों वही पर ओप्पो में आपको सिर्फ 13 megapixel की कैमरा देखने के लिए मिलती है। और दोस्तों बात करें डिस्प्ले की तो दोस्तों वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी डिफरेंस देखने के लिए मिलती है क्योंकि दोस्तों रियलमी 8 में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है एंड दोस्तों डिस्प्ले की जो रिफ्रेश रेट है वो भी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों अगर बात करें दोनों में से कौन सा फोन को लेना चाहिए तो दोस्तों मेरे ख्याल से ऐसे रियलमी 8 को लेना आपके लिए सही है क्योंकि दोस्तों दोनों फोन की जो वेरिएंट्स है आपको एकदम सेम प्राइस में देखने के लिए मिलती है एंड दोस्तों सेम प्राइस में डिस्प्ले की क्वालिटी एंड जो कैमरे की क्वालिटी अच्छी देखने के लिए मिलेगी रियलमी 8 में। तो दोस्तों ऐसे मुझे लगती है ऐसे रियलमी 8 को लेना आपके लिए सही है। दोस्तों दोनों में से आप कौन सा फोन को खरीदना चाहोगे कमेंट करके जरूर बता देना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और अच्छी नहीं भी लगी तो क्यों नहीं लगी कमेंट करके बता देना ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्रूव कर सकूँ। और दोस्तों अगर आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपका मर्जी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे नहीं। दोस्तों चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।